राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने लागू की, उसे 9,000 रुपए का मैंने हमको रोका गया। हमने कहा हम समर्थन मूल्य खरीदेंगे, लेकिन किसान के खाते में 2500 से कम नहीं जाएगा। और आज 2540, अगले साल समर्थन मूल्य 100 रुपए बढ़ाया तो सब और आगे जाइए, और आगे ए और आगे ठीक है ठीक है, थोड़ा सा और आगे अरे नीचे कर लो ना, आराम से नीचे कर ली, थोड़ी नीचे थोड़ा नीचे कर लीजिए। सरदार सेना के द्वारा जनहित महारैली का आयोजन हुआ था, आज स्थापना दिवस उनका और उनको बधाई। साथ ही सरदार पटेल जी ने जहां बारडोली में किसानों के रैली की थी, जिसके कारण से उसे सरदार की उपाधि मिली थी, और देश के रियासतों को आज़ादी के बाद जो एकीकरण उन्होंने किया, इस कारण से उसे लौह पुरुष के उपाधि दी जाती है, जिसे बहुत सम्मान से हम लोग जानते हैं। और इन महापुरुषों ने, चाहे गांधी जी हों, चाहे पटेल जी हों, चाहे नेहरू जी हों, इन्होंने श्रम का सम्मान किया, चाहे वो मेहनत करने वाले किसान हों, चाहे वो मजदूर हों, चाहे हमारे जूते चप्पल बनाने वाले हमारे दलित भाई हों, चाहे बुनकर साथी हों, श्रम का सम्मान इन महापुरुषों ने किया। लेकिन आज यहाँ जो दिखाई दे रहा है, जो मेहनत कस है, तो उसे पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। और आज गुजरात से एक और व्यक्ति निकले हैं, जिसे जो लगातार लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं और लगातार जुमले दे रहे हैं, तो सरदार पटेल की धरती से एक जुमलों का सरदार भी निकला है। और इस बात से लोग, उनके बातों से लोग परेशान भी हैं और सबक भी सिखाना चाहते हैं, तो आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में निश्चित रूप से सबक सिखाया जाएगा। अच्छा सरदार, बिजली की राजनीति हो रही है, कहा जा रहा है, केजरीवाल जी ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली देंगे, अखिलेश जी ने बोला है यूपी में कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या देने वाले हैं? हम तो छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट पहले दे रहे हैं, तो क्या यूपी में भी माना यूपी में भी दिया जाए? बिल्कुल, देखिए आप जो प्रतिज्ञाएं हैं उसको ध्यान से पढ़िए, किसानों के लिए भी है, गृहिणियों के लिए भी है, नौजवानों के लिए भी है और गृहस्थों के लिए भी है, सारी बातें। मेरठ में सर अभी जो कार्यक्रम हुआ, उसमें पीएम मोदी ने कहा है कि पहले यहाँ अवैध रूप से टूर्नामेंट होते थे, लेकिन अब योगी जी जेल जेल खेल रहे हैं यूपी में। तो फिर वो टेनी को अभी तक क्यों, उसके खिलाफ मोदी जी टेनी को क्यों बर्खास्त अभी तक नहीं किए हैं? यदि उनके नज़र में जो कानून को हाथ मिले वो अपराधी हैं, तो उसके बगल में टेनी जी क्यों खड़े होते हैं? सोनिया गांधी जी से भी आपकी मुलाकात।